साडा लीडर है यारो इमरान खान, साडा वजीर आजम है यारो इमरान खान। लोड़ पई ता कर देंगे असा जाना भी कुर्बान, साडा लीडर है यारो इमरान खान। वाहिद एक जमात है जेड़ी पूरे पाकिस्तान, वाहिद एक जमात है जेड़ी पूरे पाकिस्तान। गलगित सकरजू लाहौर पिशौर कराची ते मुल्तान, पीटीआई जमात है एडी बल्ला एदा निशान। चू चू दे मुरब्बे कोलों छुड़ाओ मुल्क दी जान, साडा लीडर है यारो इमरान खान। वाहिद एक जमात है जेड़ी पूरे पाकिस्तान, वाहिद एक जमात है जेड़ी पूरे पाकिस्तान। गलगित सकरजू लाहौर पिशौर कराची ते मुल्तान, पीटीआई जमात है साड़ी बल्ला एदा निशान। चू चू दे मुरब्बे कोलों छुड़ाओ मुल्क दी जान, मोर बल्ले ते लाणी ए तुस करके ए ऐलान। साडा लीडर है यारो इमरान खान, साडा वजीर आजम है यारो इमरान खान। वोटां दा असां मैच खेडणा ए साडा निगरान, एम पी एम एन टीम है साडी ए साडा कप्तान, एम पी एम एन टीम है साडी ए साडा कप्तान। वेखी जदों अवामे इन्ना छड़ गए ने मैदान, साडा लीडर है यारो इमरान खान। मुल्क दे अंदर फिरदी ने तुसा रखना है खास बयान, मुल्क दे अंदर फिरदिया ने तुसी रखना है खास बयान। हेलन सोफिया सिरमा यारो गुरनाली ते चुलपान, हेलन सोफिया सिरमा यारो गुरनाली ते चुलपान। साध तीन ते कोटा बादशाह कुरदुगलू ते चीतान, मुल्क दा कर रहे ने यारो बहुत बड़ा नुकसान, मुल्क दा कर रहे ने यारो बहुत बड़ा नुकसान। सारे साथी मिलके कर लो अर्थगुल दी पहचान, साडा लीडर है यारो इमरान खान, साडा वजीर आजम है यारो इमरान खान। आप खान साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं, आपकी कोई ख्वाहिश है उनके मुतलक? बस यार कि अल्लाह पाक उसनू तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी दराज करे, और अल्लाह पाक उसनू दोबारा वजीर आजम बनावे, तो अल्लाह पाक राजी हो जाए उस दे नाल, अल्लाह पाक उसकी शिफाजत फरमाए। आप उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं? हाँ इंशाल्लाह, अगर कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह मिलेंगे उनको ख्वाहिश। अगर ये वीडियो खान साहब देख रहे हैं तो ये आप इनका एड्रेस सुन लें, इनका एड्रेस जो है बहुत ही सिंपल है। आप खान साहब इधर मेरे ख्याल है पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इनका एड्रेस है ये मुल्तान रोड है, यहाँ पे गड़ा मोड़ शहर है, और ये कस्बा विहाड़ी जो है ना, ज़िला विहाड़ी जो है ना, इसके अंदर आता है। आप जब कभी आएँ तो ये महमूद गोंदल साहब हैं जो 112 WME में रिहायश वज़ीर हैं, ये आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये आपसे मुलाकात का शौक़ भी रखते हैं। आपकी मोहब्बत में इन्होंने नज़में भी लिख रखी हैं जो कि आपने अभी अभी सुन ली हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ खान साहब आप जब भी आएंगे तो इन महमूद साहब से आप ज़रूर मुलाकात कीजिएगा, क्योंकि ये आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और मोहब्बत करते हैं। इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा इनकी शायरी से आप लगा सकते हैं। तो आप और कोई उनको पैगाम देना चाहें? बस जी पैगाम इतने ही है कि अल्लाह पाक उन्होंने सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, तो अल्लाह पाक उन्होंने हामी नासर हो। कोई राय अपनी तरफ से उनको देना चाहें? बस राय क्या है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, हुकूमत के बारे में भी अच्छे हैं, वैसे भी उन्होंने सारा निज़ाम देखा हुआ है, उनके सामने है और जानते हैं वो सब कुछ। जी बिल्कुल, खान साहब के चाहने वाले भी बहुत हैं, और तकरीबन वो भी जानते हैं कि उनकी चाहत जो है ना पूरे पाकिस्तान में जो नज़र आती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट्स करके बताइए इन बुज़ुर्गों की आवाज़ और नज़म आपको कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।